को रायपुर ले चलते हैं, जहां पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की धूम मची हुई है और सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की है। बहुत-बहुत धन्यवाद ममता दीदी। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदया, माननीय अध्यक्ष महोदय और मंचस्थ विशिष्ट अतिथिगणों को हम आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदया, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर आज की संध्या का, सांगीतिक संध्या का विधिवत शुभारंभ करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और मंचस्थ विशिष्ट अतिथिगणों को सहयोग के लिए हम आमंत्रित करते हैं कि प्रज्वलन के और ये दीप प्रज्वलित हो रहा है अंधकार से प्रकाश की ओर निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता हुआ, और ये प्रतीक है अज्ञानता से ज्ञान की ओर अग्रसर होते रहने का। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम सबके दिलों में जागृत करने का। माननीय श्री मोहन मरकाम जी, माननीय श्री मंत्री, हम आपको सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। और इसके साथ ही स्वागत की कड़ी में हम मुख्य अतिथि महोदया के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को कि वे आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय अनुसुईया उइके जी का स्वागत करने का कष्ट करें। संस्कृति मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी से निवेदन, माननीय राज्यपाल महोदया का स्वागत करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल जी से निवेदन, आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय के स्वागत के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत किया मुख्य सचिव महोदय ने और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल। मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं संस्कृति सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी जी से और संचालक संस्कृति से। माननीय मोहन मरकाम जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कृपया मंच पे आए और साथ में बैठे सभी विधायक। अतिथिगणों का स्वागत संस्कृति सचिव महोदय द्वारा, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी का स्वागत, माननीय श्रीमती छाया वर्मा जी,
माननीय श्री एस पी सोरी, श्री गुलाब कमरो जी, श्री लखेश्वर बघेल जी, और इसी के साथ स्वागत उद्बोधन के लिए हम सम्मान आमंत्रित करते हैं संस्कृति मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी को। माननीय श्री अमरजीत भगत जी, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 के द्वितीय दिवस के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धे भूपेश बघेल जी, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष धर्म कौशिक जी, आदरणीय विधायक बिजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय सांसद सुनील सोनी जी, आदरणीय सांसद छाया वर्मा जी, रायपुर के विधायक साथी कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय अनीता योगेंद्र शर्मा जी, शारदा वर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, भाई मोहन मरकाम जी, भाई एसपी सोरी जी, माननीय विधायक जोड़ी मीन जी, गुलाब कमरो जी, माननीय मंत्री कवासी लखमा जी, माननीय मंत्री अनिला श्रीमती अनिला भेड़िया जी, भाई लखेश्वर बघेल जी, अनूप नाग जी, आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी छत्तीसगढ़ के माता एवं बहनों, इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल महोदया का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के भव्य आयोजन के दूसरे दिवस के अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच महामहिम राज्यपाल महोदया उपस्थित होकर प्रेरणा और उपलब्धि बनकर आई है। मुझे अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, इस महोत्सव की परिकल्पना को साकार करने हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त 6 देशों के जनजातीय भागीदारी प्रतिभागियों के हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर कला परंपरा से छत्तीसगढ़ के साथ अपनी आत्मीयता का परिचय दिया है। छत्तीसगढ़ अपने मौलिक संस्कृति परंपरा के साथ साथ अतिथि सत्कार के लिए भी जाना जाता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने अपने अतिथियों के लिए यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता, स्थानीय आवास, भोजन, आवागमन आदि की सुविधाजनक व्यवस्था की है। मुझे यह भी विश्वास है कि इस महोत्सव के माध्यम से पधारे हुए प्रतिभागी दल छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य गीत संगीत परिधान वेशभूषा तथा विकास के कदम से भी परिचित होंगे और कला संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान के लिए नए युग का त्रिगणेश होगा। छत्तीसगढ़ शासन जनजातीय नृत्य संगीत तथा पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए
सचेत है तथा महोत्सव के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में कदम रखने के लिए एक नया प्रयास है। इस महोत्सव के प्रत्येक चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। प्रस्तुतियां जनजातीय संस्कृति, मूल्यों के प्राचीन आस्था, उमंग उल्लास और प्रकृति के प्रति आभार और खुशहाली का संदेश देते हैं। इस गरिमामय महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महामहिम राज्यपाल महोदया का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महोत्सव के भावना को आपका पूर्ण संरक्षण मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे मुखिया मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को। माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हम आमंत्रित करते हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी को उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ। माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया विखे जी, इस मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, साथ ही संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी, मंत्री कवासी लखमा जी, मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी, हमारे सांसद भाई सुनील सोनी जी, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, इस मंच पर सांसद छाया वर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, कुलदीप जुनेजा जी, लखेश्वर बघेल जी, गुलाब कमरू जी, साथ ही मुख्य सचिव मंडल जी, और इस मंच पर हमारे सभी उपस्थित अतिथिगण, विधायक, सांसद, उपस्थित सभी सम्मानित जन, भाइयों, बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और जहां पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव के कार्यक्रम में लगभग देश के 25 राज्यों से और विदेश से भी लगभग 6-7 राष्ट्रों से यहां पर हमारे कलाकार और उनके साथी सब उपस्थित हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ हमारा आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और अतीत से लेकर के आज तक वर्तमान तक हम देखें तो यहां पर हमारे पौराणिक ऐतिहासिक जो तथ्य है, गौरव गाथा यहां के हमारे बयां करते हैं। और साथ ही इस अवसर पर मैं हमारे यहाँ के आदिवासी जो हमारे सपूत गुंडाधुर शहीद वीर नारायण सिंह जी को मैं इस अवसर पर मैं नमन करता हूँ। मित्रों, नृत्य कहने से भी मन में उत्साह का संचार होता है और जहाँ उमंग सकारात्मक ऊर्जा का संचार, ऐसे हमारे जो भगवान ने जो नृत्य के माध्यम से जो ऐसे सौगात दिए हैं, निश्चित रूप से हमारे अनुसूचित जनजातियों के हमारे इस नृत्य के माध्यम से एक अनूठा संगम हम सबको देखने को मिलता है। जहां तक इस संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की बात है,
इनकी एकता और भिन्नता की बात है तो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से लेकर के आप विदेशों में जहां भी जाएंगे लगभग ये संस्कृति इनका कल्चर आदिवासी समाज का हमको एक सा दिखाई पड़ेगा। उनके रहन सहन खान पान बोली भाषा अलग हो सकती है लेकिन बाकी जब समानता की बात करेंगे तो इसका जो विराट स्वरूप पूरे विश्व में दिखाई देगा तो उसमें एकता और उसके अनुरूप उसके संस्कृति आपको दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर जब हम एकता की अखंडता की बात करते हैं तो जब हम संस्कृति की इसकी संरक्षण की तो मुझे लगता है कि केवल नृत्य ही उतना ही हमारे लिए नहीं है संरक्षण और संवर्धन के लिए। आज हम अनेक समाजों की बात करेंगे। आप देखेंगे कि आप कल्पना करेंगे कि सारे समुदाय के बीच में आप देखेंगे तो गौरवशाली यदि किसी का संस्कृति है जो रचा और बसा हुआ है जिसके कण कण में स्वर जो गुंजायमान होता है वो आदिवासी समाज है और जितने प्रकार की उनमें कलाकृति है शायद विश्व में किसी समाज के अंदर दिखाई नहीं देगा। ऐसा गौरवशाली हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति के रसा और बसा हम सबके बीच में है। हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा कर्मा और वहां के कर्मा के छाप से लेकर के आपके बस्तर के कर्मा और मध्य क्षेत्र में हमारे जो आदिवासी समाज है यहाँ के हमारे आप सरगुजा में जाएंगे तो सरगुजिया आपको अलग भाषा बोली के साथ में दिखेगा। आप बस्तर में जाएंगे तो उनकी अनूठी निराला आपको दिखाई देगी और हमारे जब मध्य क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके जो कर्मा के थाप कि अच्छे आदमी भी जो कि जिसको नृत्य से मतलब नहीं है उस थाप में वो भी रसमय हो जाते हैं और ठुमके लगाने लगते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है और प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज होने के कारण में जैसा प्रकृति का एक जो व्यवहार होता है आदिवासी समाज में सरलता है सादगी है कोई कपट नहीं उनके मन में निश्चल स्वभाव का और उसके साथ ही साथ में आज जितने प्रकार के उनके बोली भाषा गान नृत्य मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसके संरक्षण और संवर्धन की हम बात करते हैं तो केवल उतने ही तक नहीं बल्कि उसके संस्कृति के संस्कार परंपरा विविध अन्वेषण अध्ययन और संधान की आवश्यकता है उसको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है। आज ऐसे समाज के महापुरुष हैं अलग अलग कालखंड में उसके आप अलग अलग मिल जाएंगे लेकिन सबको एकीकरण करने का प्रयास और उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास यदि हम करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले हमारे जो पीढ़ी है जो भावी पीढ़ी है इस गौरव में उनके जो विरासत है उससे हम उनको परिचय करा सकते हैं और इसलिए उसमें शोध की आवश्यकता है अध्ययन की आवश्यकता है। आज आदिवासी समाज के जो ज्ञान है आदिवासी समाज के जो अध्ययन है मुझे लगता है आज के जो विज्ञान है उससे कम नहीं है और केवल उसको सहेजने की आवश्यकता है और इसलिए इस विषय पे अब मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है कि जिससे न केवल संस्कृति का संरक्षण होगा संवर्धन होगा बल्कि उसके साथ ही साथ में उसमें शोध परक अनेक विषय हमारे हैं शोध परक ऐसे हो हमारे उनके विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य हैं जिसको आने वाले समय में और उसको हम एक जगह समाहित कर सकें तो इससे आने वाले समय में और हमारे संस्कृति जो विरासत में जो मिली हुई है उसके संरक्षण और संवर्धन में आज के पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर महामहिम जी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदिवासी समाज से स्वयं हुए हैं। मुझे लगता है कि जितना आदिवासी समाज के कल्चर के बारे में समाज के विभिन्न गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी है शायद हम सबको नहीं है और इतना ही नहीं महामहिम के पहले अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते
समाज के विभिन्न जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने में महामहिम जी का जो योगदान हम सबके सामने में है कि समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर के, मात्राओं को लेकर के, त्रुटियों को लेकर के जो लाभ उनको मिलना चाहिए उस लाभ से कैसे वो वंचित रहे हैं, वो लाभ उनको कैसे मिल सके, वो सम्मान कैसे प्राप्त हो सके, इसके लिए महामहिम जी ने बहुत कार्य उनके लिए किए हैं और अभी भी उस कार्य में वो लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है हम सबके लिए बहुत अच्छा है कि आदिवासी समाज को आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है केवल यहीं तक नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में वो बिखरेगा, हमारा गौरवशाली यहाँ का जो परंपरा है दुनिया के सामने जाएगी, इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को मिलेगा। लेकिन आज आदिवासी समाज अपने धन को इसलिए मजबूर हो रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि चिंता करने का विषय है कि ऐसे आदिवासी समाज की हम जब संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं तो ये जो कठिनाई आ रही उन कठिनाइयों का आसानी के साथ उनका समाधान हो सके, जिससे ऐसे निर्णय का अवसर मिले देश में चक्का जाम खासकर को समाज को न करना पड़े, मुझे लगता है उस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किस आदिवासी समाज के जो संस्कृति और उसके विरासत के बहुत सारे कार्य हुए हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि आने वाले समय में उसको और बढ़ाने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। ये जो कार्यक्रम आज का है जो आदिवासी समाज के संस्कृति संवर्धन संरक्षण के दिशा में जो काम कर रहे हैं ऐसे संस्थाओं को निश्चित रूप से एक दिशा मिलेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः हमारे आए हुए सभी जो इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के हमारे जो कलाकार और उनके सहयोगियों को बधाई देते हुए अभिनंदन करते हुए हमारे संस्कृति विभाग को बहुत अच्छा आपने आयोजन किया है उसके लिए बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। आपके ओजपूर्ण संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी। और इसके पश्चात पूरी विनम्रता से हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी को सम्मान हम आमंत्रित करते हैं अपने उद्बोधन के लिए। बोले भारत माता की, बोले छत्तीसगढ़ माता की। द्वितीय दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, आदरणीय नेता प्रत्यक्ष धरमलाल कौशिक जी, विभागीय मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, आदरणीय तवासी लखमा जी, आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, धनेन्द्र साहू जी, आदरणीय स्थानीय सांसद आदरणीय सोनी जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, आदरणीय छाया वर्मा जी, लकेश्वर बघेल जी, अनूप नाग जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, चीफ सेक्रेटरी आरपी मंडल साहब, उपस्थित सभी हमारे विधायक साथीगण, सभी अतिथिगण, देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथीगण और सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण जो विभाग के हैं और जो व्यवस्था में लगे हैं सभी का मैं अभिवादन करता हूं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का दूसरा दिन जब हमने एक कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा बनाई तो बहुत सारे शंकाएं थी, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कार्यक्रम सफल होगा नहीं होगा, क्योंकि
ये कार्यक्रम अपने तरीके से पूरे देश में पहले बार इसका आयोजन हुआ, लेकिन सभी राज्यों से 25 राज्य, 3 यूनियन टेरिटरी से और 6 देशों के कलाकार, और वो भी हमने तो निमंत्रण दिया था 1300 के लिए, लेकिन हमारे कलाकार अपने आप को रोक नहीं पाए और 1800 कलाकार यहाँ उपस्थित हुए। मैं उन सभी कलाकारों का जो हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ उन विदेशी कलाकारों का जो दूर समुद्र पार से यहाँ आए हैं, उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ। कल से जो कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, देर रात तक के चला और आज सुबह से जो चला है, अभी तक के वो क्रम टूटा नहीं है, और वैसे ही देश भर के बहुत सारे विद्वत जन आए हैं, जूरी आए हैं, सभी पद्मश्री से सम्मानित हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित, ये लोग बखूबी अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जूरी के रूप में उनकी उपस्थिति मात्र से ही इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही छत्तीसगढ़ के जनता का भी मैं अभिवादन करना चाहता हूँ कि इस छिछुटी ठंड में भी इस कार्यक्रम में अपने आप को रोक नहीं पाए, घरों में नहीं रखे और सब लोग साफ स्वेटर कंटोप लगा के यहाँ हजारों की उपस्थिति दी है, इसलिए मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। आपकी उपस्थिति ही ये बता रहा है ये कार्यक्रम कितना सफल हुआ। हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति परंपरा बहुत ऊंच है, बहुत प्राचीन है, इसे बताने का आवश्यकता नहीं है। अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है, और आदिवासी नृत्य महोत्सव इसमें भी आप देखेंगे कि आदिवासी कह देने मात्र से केवल एक संस्कृति, एक परंपरा, एक नृत्य नहीं है, हर समय में अलग अलग। हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नेताजी ने बात कही है, पूरे देश और दुनिया में जो रीति रिवाज है उसके बारे में यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने सुनने को मिल रहा है। चाहे वो लोकल मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, सब जगह इस कार्यक्रम को स्थान मिला, इसलिए मीडिया के साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत करके, बड़ी लगन से जो कार्यक्रम हुए उसे अपने कलम से, अपने कैमरे से लोगों तक पहुँचाने का काम किया है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि राज्यपाल महोदय को सुनना है और कार्यक्रम भी देखना है, तो आपके और राज्यपाल महोदय और उसके बाद कलाकारों के और आपके बीच ज्यादा दूरी न रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आदरणीय नेताजी ने कुछ बात कही, हालांकि ये अवसर नहीं है, लेकिन जनता ने उसका जवाब दे दिया है, आने वाले समय में भी देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ओजपूर्ण और सहृदय संबोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और पूरे सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी को हम संबोधन के लिए सम्मान आमंत्रित करते हैं। सुश्री अनुसुईया उइके जी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रतिपक्ष के नेता सम्मानी धरमलाल कौशिक जी, विधायक श्री कुलदेव जुनेजा जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा जी, माननीय विधायक श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, माननीय श्री धनेन्द्र साहू जी, विधायक माननीय विकास उपाध्याय जी, बहन अनीता शर्मा जी,
प्रमुख सचिव श्री आर पी मंडल जी, हमारे उद्योग मंत्री एवं आदिवासी नेता सम्मानी कवासी लखमा जी, माननीय बहन अनिला भेड़िया जी, मैडम बघेल जी, शिक्षा मंत्री माननीय प्रेम साहे टेकाम जी एवं विदेश से आए हुए सभी नर्तकगण, मुझे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि देश और विदेश से यहाँ पर ऐसे भी महान हस्तियाँ आई हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, निर्णायक गण हैं। ये जानकर बहुत खुशी हुई, यहाँ पर पूरे देश भर से आए हुए विभिन्न राज्यों से सभी नर्तक दल, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों से आए लोक कलाकारों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदिवासियों की संस्कृति बहुत ही वैभवशाली रही है। हर प्रदेश की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग रही है। यहाँ कई आदिवासी नृत्य देखने को मिले हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। इस राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान अनेकता में एकता की भावना दिखाई दे रही है, जिससे भाईचारे की भावना बढ़ती है और एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर मिला है। इस सुंदर और भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन के लिए इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। वास्तव में इतना बड़ा महोत्सव देश में बहुत कम शायद ऐसा हुआ होगा। दिल्ली में तो होता है, वो कैपिटल है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज की संस्कृति और देश और विदेश से जो कलाकार आए हैं, निर्णायक गण आए हैं, वास्तव में ये अपने आप में इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 6 देशों बांग्लादेश, युगांडा, बेलारूस, मालदीव, थाईलैंड और श्रीलंका सहित 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार शामिल हुए हैं। भारत के अधिकांश प्रदेशों में आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासियों की लोक संस्कृति बहुत समृद्ध रही है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रदेश में आदिवासियों के अलग अलग गीत एवं नृत्य हैं। आदिवासियों के अधिकांश लोग नृत्य प्रकृति पूजा फसलों और उनके तीज त्यौहार पर आधारित होते हैं। आदिवासियों का जो जीवन है जल, जंगल और जमीन पर आधारित होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में जो हमारा आदिवासी समाज है वो इतना मस्त मौला अपनी जिंदगी जीता है और इतने आनंद के साथ जीता है, शायद और कोई दूसरा समाज इस तरह की जिंदगी जीता है। क्योंकि उनके अंदर एक सहजता है, सरलता है, नम्रता है और दूसरी बात यह है कि वो प्रकृति के पुजारी हैं। आज हिंदुस्तान में अगर जंगल बचा है, पर्यावरण के भी प्रेमी हैं, क्योंकि प्रकृति से वो प्रेम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और कोई दूसरा समाज नहीं करता। पेड़ उनके वृक्ष जो है आराध्य देव हैं, पशु पक्षी
ये उनके अपने गोत्र के भगवान होते हैं, इष्ट देव होते हैं जिसकी वो पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रकृति के जो परिवर्तन होता है, जब नई फसल आती है तो हिंदुस्तान में अगर वो कोई त्योहार के रूप में अगर वो मनाता है तो वो हमारा आदिवासी समाज भी मनाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में नवा खाई का कार्यक्रम होता है, इसी तरह से उड़ीसा में सरना में पौधों की, वृक्षों की, पत्तों की पूजा होती है और लोग बड़े उत्साह के साथ नृत्य करते हैं। साथ ही हर प्रदेश की जागृति वाली संस्कृति अलग अलग है, नृत्य भी अलग अलग है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में करवा नृत्य, सैला नृत्य बहुत ही यहाँ के प्रचलित है। मध्य प्रदेश में भागोरिया नृत्य, भाड़ा नृत्य और करवा नृत्य। इसी तरह से विदेशों में आज देश और विदेश में अगर प्रचलित है लोकप्रिय बेले डांस, प्राचीन आदिवासी संस्कृति का ही विश्व की देन है। आज जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति तो आज देश और विदेशों में आज उसकी आदिवासी संस्कृति का ही प्रचलन है। आज जो हमारा आदिवासी गुदना गुदवाता है, आपको मालूम है आज देश और विदेश में उसको टैटू के रूप में आज लोग उसको टैटू कहते हैं, वो गुदवा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी ट्राइबल की संस्कृति रही है। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में जहाँ छत्तीसगढ़ के कर्मा सुआ सेला आदि देखने को मिल रहा है, वहीं विभिन्न प्रदेशों के मनमोहक लोक नृत्य देखने और सुनने को मिलेंगे। इनमें भाषाई विविधता, वाद्य यंत्र, श्रृंगार, परिधान, मान्यता और दिन तिथि की भी विविधताएं हैं। आदिवासी नृत्य संगीत का यह सर्वविदित पक्ष है कि वे भूमि, आकाश, वन, नदी, पर्वत आदि को ही सत्ता के, देवी शक्ति के रूप में मान्यता देते हैं। नृत्य संगीत भारतीय जनजाति की उत्कृष्ट कला है। यह प्रकृति और संस्कृति के बीच एक सेतु का कार्य करता है। अपने पसंद का नृत्य एवं गीत सुनकर थका हुआ व्यक्ति भी आनंदित होकर पुनः तरोताजा अनुभव करने लगता है। इसलिए जीवन में नृत्य एक गीत का महत्वपूर्ण स्थान है। अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही वैज्ञानिक जीवन पद्धति आज भी मूल रूप से आदिवासियों में विद्वान है। इस महोत्सव में मैं नई पीढ़ी के आदिवासियों से कहना चाहूंगी कि वो अपने पुराने नृत्य एवं गीत को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को हस्तांतरित एवं संरक्षित करने के लिए सतत प्रयत्न करें और नृत्य और गीत को समय समय पर व्यवहार में लाते रहे, अन्यथा ये विलुप्त हो जाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी देश विदेश से पधारे कलाकारों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वे अपनी वैभवशाली संस्कृति, नृत्य एवं परंपरा का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। मैं भी टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखती रही हूँ। मैं तो 3 दिन इस कार्यक्रम में हिस्सा बनना चाहती थी किंतु व्यस्तता होने के कारण सम्मिलित नहीं हो पा रही हूँ। पर अंत में आप सभी से कहना चाहती हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए जिससे आदिवासी लोग कलाकारों की कला संस्कृति को देखने और समझने का अवसर मिलता रहे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही इस आयोजक के माननीय संस्कृति मंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। साथ ही हमारे प्रमुख सचिव मंडल जी और उनके साथी सारे
अधिकारीगण, कर्मचारीगण को भी मैं वो बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस सफल कार्यक्रम का आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। साथ ही मैं उन्हें, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम आप आयोजित करते रहे और हमारी आदिवासी संस्कृति को बरकरार रखते रहेंगे। यही विश्वास के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल महोदया, आपके ये आशीर्वचन और आपका ये उद्बोधन हमारे लिए हमेशा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे रहेगा। और इसके बाद अब बारी है स्मृति चिन्ह की। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन की वो हमारे प्रोग्राम की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय संस्कृति मंत्री जी से निवेदन कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात माननीय संस्कृति मंत्री जी से निवेदन कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर वे उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही सचिव संस्कृति श्री परदेसी सर भी हैं हमारे साथ, वो भी मंच पे उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री अनिल साहू जी संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व, आपसे भी निवेदन कि आप अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं संस्कृति सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आज दूसरे दिन के मंचीय कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, मंचस्थ समस्त माननीय अतिथिगण, उपस्थित समस्त माननीय सांसद विधायकगण एवं इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित समस्त प्रदेशवासीगण एवं अन्य राज्य एवं देश से आए हुए अतिथिगण,